कि इस बार जो आपका वोट है ना वो किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, ये वोट आपका वोट है। और याद रखो कि जब कांग्रेस को वोट डालोगे तो अपने ही पक्ष में अपने लिए वोट डाल रहे हो। गलत फहमी में मत होना, ये जो वोट है इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत करो। सही बोला कि नहीं? याद रहेगी बातें? तो मैं सिर्फ एक आग्रह करने आई हूं आपसे कि इस बार जो आपका वोट है ना वो किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, ये वोट आपका वोट है। अपने देश को दो, इंडिया को दो। गठबंधन का नाम भी इंडिया है, लेकिन आप सोचिए, ये आपका देश है, ये आपका देश है। अपने देश को अपने दिल में रखो, समझो कि आज वो पल आ गया है कि आपको अपने आगे देखना है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं, अब अपने देश के बारे में सोचो। ये देश है, देश ने जीवन दिया है, देश ने सब कुछ दिया है आपको और हमको, ये जो वोट है इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो। ऐसी फिजूल की बातों पे अपना वोट मत दो। वोट अपना है अपने काम पे दो, रोजगार पे दो। महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए दो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े हों उसके लिए दो, आदिवासियों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो, दलितों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो। ये वोट देश की जनता के लिए जाना चाहिए। गलत फहमी में मत होना, सब आपके हाथों में है, किसी एक नेता के हाथ में नहीं है, सब आपके हाथों में है। इस बात को समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और इस चुनाव में ऐसा वोट दीजिए कि इस देश में जो सरकार है वो बदल जाए और आपका भविष्य उसके साथ बदल जाए। बहुत लंबी बातें कर ली मैंने धूप में, सही बोला कि नहीं? याद रहेगी बातें? जब पोलिंग में जाओगे आप अपना वोट डालने, दो मिनट के लिए रुक के सोचो कि ये वोट किस लिए है। और याद रखो कि जब कांग्रेस को वोट डालोगे तो अपने ही पक्ष में अपने लिए वोट डाल रहे हो।